चरक अस्पताल को अब ऑक्सीजन की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। अस्पताल में ऑक्सीजन की बार बार कमी होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 2 करोड़ की लागत से PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट की क्षमता 175 सिलेंडर यानी करीब 7000 लीटर प्रतिदिन की है। औरंगाबाद की कंपनी एरोक्स ने इस प्लांट को 13 दिन में इंस्टॉल किया है। कंपनी के इंजीनियर दीपक मीणा ने बताया कि प्लांट से फिलहाल हॉस्पिटल में सप्लाई की जा रही है। अन्य हॉस्पिटल को सप्लाई करने के लिए इसमें ब्रूस्टर को ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद इससे अन्य अस्पतालों को भी सप्लाई की जा सकेगी। ये जो अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, इसकी क्षमता है 24 घंटे में 175 सिलेंडर की, और इसमें कहीं से आपको लिक्विड या सिलेंडर के जैसा इनपुट नहीं देना पड़ता। ये एटमॉस्फेयर से ही एयर लेके खुद ऑक्सीजन को अलग करके आपको ऑक्सीजन सिलेंडर बना के देगा, जो आपके डायरेक्ट मरीजों को जाएगी। तो जब से मशीन लगा हुआ है तब से इनकी सिलेंडर की खपत कम हो गई है, नहीं के बराबर है, और कंटिन्यू लोड मशीन पे चल रहा है। उससे इनके सिलेंडर की जो बचत है वो हो रही है, और ट्रांसपोर्टेशन जो है, आजकल जो सिलेंडर का शॉर्टेज चल रहा है, वो इनका जो मानसिक तनाव भी है, शारीरिक तनाव दोनों इनका दूर हो गया है। सेटअप जो अपना लगा है ये कल से चालू हो गया। अभी चरक भवन की 50% सप्लाई इस सेटअप से पूरी हो रही है, 50% नॉर्मल इससे हो रही है अपने जुम्बो सिलेंडर से। लेकिन अभी 2 रोज में जब सेट हो जाएगा, तो अगर अभी जैसे चरक भवन में बेड बढ़ा रहे हैं, बेड बढ़ाने से ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ी तो जुम्बो सिलेंडर लगेगी, नहीं तो टोटल सप्लाई उसी से।